औद्योगिक नगरी पीथमपुर में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस पर नगरपालिका परिषद पीथमपुर में पत्रकारों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया। भारतीय हिंदी पत्रकारिता के 197 वर्षों के इतिहास में प्रथम हिंदी अखबार 30 मई 1826 को समाचार पत्र जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा प्रकाशित किया गया था। वहीं इसी उपलक्ष्य में नगरपालिका परिषद हॉल में मुख्यमय आज अतिथि अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश पटेल, प्रेस क्लब अध्यक्ष कैलाश सागर की उपस्थिति में शहर के वरिष्ठ पत्रकार साथियों द्वारा पत्रकारिता क्षेत्र में आए हुए बदलाव और समय समय पर होने वाले परिवर्तनों पर उद्बोधन देकर मार्गदर्शन दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सागर ने बताया कि पत्रकारिता क्षेत्र में होने वाले बदलाव और आज के दौर में कहीं न कहीं हिंदी अखबारों के खत्म होते अस्तित्व सोशल मीडिया की पत्रकारिता एवं कमर्शियल पत्रकारिता की निंदा करते हुए अपने विचार रखे। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। एक यादगार और एक परंपरा बनाने के लिए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जी आदरणीय सुरेश पटेल साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करूंगा कि पत्रकारों को उन्होंने एक वह जो दिल से स्थान दिया, महत्व दिया और आज उन्हें सम्मानित किया, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और यह परंपरा हमेशा बनी रहे। साथियों, आज का दिन हम क्यों मनाते हैं? 30 जनवरी 1826 का वह दिन है जब पहला हिंदी समाचार पत्र कलकत्ता से उदंत मार्तंड यानी राइटिंग सन के रूप में प्रकाशित हुआ। उसका इंग्लिश नाम जो इंग्लिश में है उसका राइजिंग सन पहला हिंदी समाचार पत्र था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर जी शुक्ला एक ऐसा नाम है जो हिंदी पत्रकारिता में सबसे अग्रणी है और पत्रकारिता के लिए उन्हें एक पुरोधा के रूप में जाना जाता है। बाद में कई पत्रकार समूह आए, कई पत्रकार आज वर्तमान में हम सभी जिन पत्रकार समूहों से जुड़े हुए हैं, पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पत्रकारिता में सम्मिलित हो गया है, आज उसका बहुत ज्यादा स्थान है हिंदी पत्रकारिता। और एक ऐसा जरिया रहा है जो आजादी के समय से आजादी की लड़ाई में भी पत्रकारिता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब से पत्रकार को एक सम्मान के रूप में पत्रकार वह एक कड़ी है जिसको जनता और शासन के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। पत्रकार में वह काम करने के लिए तत्पर रहता है और चाहे जो बारिश हो या कोई आपदा आई हो या कोई प्रतिबंधात्मक कोई ऐसी परिस्थितियां हो, उसमें भी वो अपने आप को अपनी जान की परवाह किए बगैर पत्रकारिता के लिए तत्पर रहता है। ऐसे पत्रकारों का मान सम्मान वाकई एक भावनात्मक जो सम्मान होना चाहिए वह यही है। आज आदरणीय श्री पटेल साहब ने एक नई परंपरा को यहाँ प्रारंभ किया है, मैं उनका दिल से आभारी हूँ। मैं पत्रकार साथियों को पहले तो हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ उनसे आह्वान करता हूं कि पत्रकारिता करें, जनहित में करें, जनहित के मुद्दों के लिए काम करें और कभी भी ऐसा न करें कि किसी बात पर पछताना पड़े या ऐसा ना लिखे कि जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। बस इतना ही कहना चाहूँगा।
धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। कैलाश सागर, प्रेस क्लब अध्यक्ष पीतम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।